ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Good evening to you all and welcome to my YouTube channel. I am starting the first part of third chapter, National Income, sorry, Methods of Calculating National Income, राष्ट्रीय आय की गणना विधि। इसका जो मैं पहला पार्ट शुरू कर रहा हूँ जो कि थर्ड चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रिपल आइडेंटिटी। पिछला जो चैप्टर उसमें हमने ट्रिपल आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था। देयर वी हैव फाउंड दैट वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम दैट ही पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट आल्सो इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर विच मेड बाय हाउसहोल्ड्स इन द इकोनॉमी। हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें देखा था ट्रिपल आइडेंटिटी या त्रिपक्षी समरूपता के बारे में पढ़ा था। वहाँ पता किया था कि उत्पादक वर्ग जो भी मूल्य वृद्धि करता है और उसके बाद जो अपने उत्पादक के साधन है कारक हैं उनको जो पेमेंट करता है वो दोनों बराबर होते हैं। अब बाद में यही चीज़ें जो घरेलू क्षेत्र या परिवार क्षेत्र जो खर्चा करता है अपना व्यय करता है उसके बराबर होते हैं। मीन्स इफ वी कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ दीज थ्री देन वी कैन गेट नेशनल इनकम। अगर हम इनमें से किसी एक को कैलकुलेट कर लें जोड़ लें पता कर लें तो हमको राष्ट्रीय आय पता हो जाएगी। मतलब उसके जरिए राष्ट्रीय आय पता कर लें। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू नेशनल इनकम। पहले हमें डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय निकालनी पड़ेगी फिर उसको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे करते हैं। क्वेश्चन में पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल कर नेशनल इनकम में कैसे चेंज करते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड मूल्य वृद्धि विधि। द अदर नेम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड आर प्रोडक्ट मेथड या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड आउटपुट मेथड दीज आर द अदर नेम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का जो इन दिस मेथड वी सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट इन द इकोनॉमी इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूसर फर्म ऑफ एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर producers of all these sectors whatever value they have added in a product we add up and the total addition becomes gross value added and this gross value added is equal to GDP MP। हम इस विधि में अलग अलग देश के जितने भी सेक्टर हैं वहाँ के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं फर्म हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उद्योग हैं उन सब ने जो भी मूल्य वृद्धि की है किसी भी प्रोडक्ट में उन सब को जोड़ लेते हैं। वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए प्रोड्यूसर एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट ही इंकर्ड। ये वैल्यू एडेड ये मूल्य वृद्धि क्या है किसी उत्पादक के उत्पाद का मूल्य और उसकी मध्यवर्ती लागतें। फार्मूला ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंसम्पशन इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट। मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग को मध्यवर्ती लागतें भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पाद का मूल्य क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स बट इफ द इंटायर प्रोडक्ट ऑफ द ईयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। उत्पाद का मूल्य बिक्री के बराबर होता है लेकिन तब होता है यदि वर्ष में उत्पादित समस्त उत्पाद वर्ष के दौरान ही बिक जाए मीन्स कुछ भी स्टॉक में ना बचे। ऑल द आउटपुट ऑफ द ईयर प्रोड्यूस विद इन द ईयर इज सोल्ड विद इन द ईयर। नाउ द सेकेंड फार्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय द वे इफ सम प्रोडक्ट इज रिमेंड अनसोल्ड देन
value of output will be equal to sales plus delta stock if some output remains unsold during the year. अगर कुछ उत्पाद बिक जाता है बिना बिकाए रह जाता है तब क्या फॉर्मूला होगा, तब उत्पाद का मूल्य होगा बिक्री और डेल्टा स्टॉक के बराबर, यदि कुछ उत्पाद वर्ष के दौरान बिना बिका रह जाएगा। अब ये डेल्टा स्टॉक कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट डेल्टा स्टॉक, डेल्टा स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। डेल्टा स्टॉक क्या है, वर्ष के अंत में लेखा वर्ष के अंत में उत्पादक के पास अंतिम स्टॉक की मात्रा का मूल्य माइनस वर्ष के आरंभ में आरंभिक स्टॉक की मात्रा का मूल्य होता है डेल्टा स्टॉक। फार्मूला फॉर इंटरमीडिएट कंसम्पशन, इंटरमीडिएट कंसम्पशन मीन्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और वैल्यू ऑफ फिनिश गुड विच आर यूज बाई अ प्रोड्यूसर टू सेल देम टू प्रोसेस देम। ये मध्यवर्ती उपभोग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोड्यूसर ने कौन सी रॉ मटेरियल खरीदी, कच्ची सामग्री खरीदी है जो उत्पादन में उपयोग करेगा, या कौन सा फिनिश गुड तैयार माल खरीदा है जिसे उसको बेचना है। तो मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कॉस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में प्रयुक्त गैर कारक आगतों का मूल्य। नॉन फैक्टर इनपुट मीन्स सच इनपुट्स विच आर नॉट फैक्टर इनपुट, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, दीज फोर थिंग्स आर फैक्टर इनपुट। बिसाइड दीज वाट एवर इनपुट्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर कम अंडर दिस इंटरमीडिएट कंसम्पशन। भूमि श्रम पूंजी साहस ये चारों क्या होते हैं, ये कारक होते हैं। अब इन कारकों के अलावा जो गैर कारक आगत हैं उनको, उनके अलावा जो कुछ भी प्रयोग किया है रॉ मटेरियल वगैरह उनकी वैल्यू इसमें देखते हैं। दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ वी गेट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन, यहाँ पे मूल्य वृद्धि कैसे निकालते हैं उसका एक उदाहरण है। वी आई एम टेकिंग एन इमेजिनरी एन इमेजिनरी मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी, एक जो काल्पनिक मॉडल मान के चलना किसी भी अर्थव्यवस्था का। एंड सी देयर इज ए फार्मर, ही फर्स्ट प्रोड्यूसेस व्हीट एंड व्हाइल प्रोड्यूसिंग व्हीट ही यूज सम रॉ मटेरियल मीन्स लाइक सीड्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, लेबर एक्सेट्रा, ही यूजेस दैट इज हिज इंटरमीडिएट कंसम्पशन, नॉट लेबर, लेबर बिकॉज लेबर इज फैक्टर, सो लीव द लेबर, रेस्ट ऑल थिंग सीड्स वाटर एंड सीड्स वाटर मैन्योर फर्टिलाइजर दीज थिंग्स। सपोज दैट ही हैड स्पेंट रुपीज 100 ऑन दीज ऑल थिंग्स मीन्स ऑन इंटरमीडिएट कंसम्पशन। हम मान के चलते एक फार्मर है, किसान है, वो गेहूँ का उत्पादन करता है और वो 100 रुपये मध्यवर्ती लागतों या मध्यवर्ती उपभोग में खर्च करता है। मध्यवर्ती उपभोग मतलब कि जैसे हो गया पानी पे खर्चा और बीज पे खर्चा, खाद वगैरह में खर्चा, ये सब चीज़ें हो गई। एंड वैल्यू ऑफ हिज आउटपुट मीन्स व्हीट व्हाट ही प्रोड्यूसेस, जो वो प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू 500 को सेल कर देता है। नाउ दिस व्हीट हैज बॉट बाय ए फ्लोर मिल, ही बॉट दिस फॉर रुपीज 500, सो 500 बिकम्स इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ फ्लोर मिल। अब यह जो गेहूँ है वो एक जो आटा बनाने वाली मिल खरीद लेता है, तो उस मिल ने ये 500 रुपये का खरीदा तो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी मध्यवर्ती लागत हो गई 500 रुपये। उसके बाद ही प्रोसेस दिस व्हीट एंड मेक फ्लोर एंड सोल्ड द फ्लोर फॉर रुपीज 800 टू ए बेकर। अब यही जो मिल ओनर है ये प्रोसेस करके इसका व्हीट तैयार करता है गेहूँ का और एक मिल ओनर को एक बेकर को भेज देता है। नाउ बेकर हैज स्पेंट रुपीज 800, बेकर ने 800 रुपये खर्च किया टू बाय दिस फ्लोर।
Then he processes it and makes some bread. And again, the baker sold the bread for ₹1,000 to the shopkeeper. अब फिर से ये बेकर उसको प्रोसेस करके कुछ ब्रेड बनाता है और शॉपकीपर को बेच देता है. अब शॉपकीपर को बेचता है ₹1,000 में. नाउ ₹1,000 इज बिकम द इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ शॉपकीपर बिकॉज ही हैज बॉट दिस फॉर ₹1,000. ₹1,000 को शॉपकीपर ने खरीदा है तो शॉपकीपर की मध्यवर्ती लागतें हो गई या मध्यवर्ती उपभोग हुई है 1,000. Now he sold this to the consumer, means final consumer. So he sold this for ₹1,500. So 1,500 becomes the value of output for shopkeeper. These all the sale of these different firms or producer, and these are the intermediate cost of these different firms or producer. ये सारी अलग अलग इन फर्मों के उत्पाद का मूल्य हो गया, सेल यानी बिक्री हो गई. और ये सब क्या हो गया, इन सब लोगों का, अलग अलग लोगों का इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया. नाउ वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंसम्पशन. मूल्य वृद्धि का मतलब उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग. तो अब ये यहाँ पे सबको माइनस करते चले गए, 500 माइनस 100, 800 माइनस 500, 1000 माइनस 800, सॉरी 1000 माइनस 800, 1500 माइनस 1000. सो दिस इज वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इन द इकोनॉमी. नाउ सम ऑफ दिस वैल्यू एडेड इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड. इनका सब जो जोड़ है, सम है, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है, सकल मूल्य वृद्धि कहलाता है. ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी ₹3,800 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट 2400 becomes ₹1,400. We can either add up value of output of every producer at one place and add up intermediate cost of every producer at one place, then subtract or get difference between these two, value of output minus intermediate cost, then we will get same value what we get by getting value added by different industries one by one separately. जब हम एक साथ या तो इन सब की अलग अलग value of output को जोड़ लें, जो इनका उत्पाद का मूल्य है सबका एक साथ जोड़ लें, और इनका intermediate consumption मध्यवर्ती लागतें सबका एक साथ जोड़ लें, फिर उसका difference देखें, तो जो value added आती है gross value added, या सबकी जो वैल्यू एडेड अलग अलग निकाल लें उसके बाद जोड़ें, तो भी वो ग्रॉस वैल्यू एडेड सेम रहेगी. चाहे जैसे करें, चाहे अलग अलग करके कर दें या पहले सम करके फिर एक साथ कर लें. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड हेयर इज ₹1,400 एंड दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू GDP MP इक्वल टू GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड MP. This is at market price. Gross value added is always equal to GDP MP. जो सकल मूल्य वृद्धि होती है वो हमेशा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है. When we get GVA means we have got GDP MP. अगर हमने GVA gross value added निकाल लिया या सकल मूल्य वृद्धि निकाल ली, तो इसका मतलब हमको जो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो गया. अब हमें इसको राष्ट्रीय में चेंज करना पड़ेगा. इफ वी वांट टू गेट नेशनल इनकम मींस वी वांट टू गेट NNPFC, वी हैव टू कन्वर्ट GDP MP इनटू NNPFC. अब हमें GDP MP मिल गया, अगर हमें NNPFC निकालना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा GDP MP को. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? This is in gross value, this is in gross and this is net. Depreciation is added here. We have to remove depreciation. यहाँ पे मूल्यह्रास जुड़ा हुआ है GDP में, तो आपको पहले depreciation माइनस करना पड़ेगा. Then this is domestic product and this is national product. Difference between domestic product and national product. National product includes NFIA, but
डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जुड़ी होती है लेकिन घरेलू आय में नहीं जुड़ी होती। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड NFIA, हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ना पड़ेगा NFIA। नाउ अगेन, नेशनल इनकम इज इन फैक्टर कॉस्ट बट GDP MP इट इज मार्केट प्राइस, सो वी हैव टू चेंज मार्केट प्राइस इंटू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, बट मार्केट प्राइस इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो मार्केट प्राइस पे बाजार मूल्य पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़े रहते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट पे कारक लागत पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं जुड़े होते। तो ये हमको इसका डिफरेंस खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए NIT यहाँ पे मार्केट प्राइस से माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से हमको मिल जाएगा NNPFC। नाउ वी हैव गॉट NNPFC मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स नेशनल इनकम। इन द सेम वे वी फर्स्ट गेट GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दैट इज इक्वल टू GDP MP। हर क्वेश्चन में ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट मेथड के हैं GVAMP निकालेंगे हम पहले, जो कि GDP MP के बराबर होता है। देन वी हैव टू कन्वर्ट GDP MP इंटू डोमेस्टिक इनकम, देन फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। जब GVAMP निकल आएगा तो मतलब कि हमारे पास GDP MP हो गया। अब GDP MP को हम पहले घरेलू आय में बदलेंगे, फिर घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलेंगे। नाउ दी ज्यादा प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड। अब ये उत्पाद विधि के समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वी शुड ऐड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। वी शुड नॉट ऐड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। Then, second thing, value of second hand good is not added. Sale and purchase of second hand good is not added in the product method. Why? Because value generated in these items were in the year when they were produced. These are now changed to other person, but value or Not generated in this year. ये पहला जो था, यहाँ पे हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ेंगे, मध्यवर्तियों का नहीं जोड़ेंगे। दूसरा, सेकेंड हैंड गुड के जो सेल और परचेज हुई है उसकी वैल्यू नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि इनकी वैल्यू जिस समय ये प्रोड्यूस हुए थे उस समय बनी थी, जिस साल जिस वर्ष में। अब क्या हो रहा है, उनको रीसेल किया जा रहा है, कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है। बट इफ द कमीशन इज अर्न on the sale and purchase of second hand goods, then that commission will be added, because commission is given for the factor service. Commission is given for the factor service which is done in this year. If any person sells our anything, any old thing, like if I have an old car and I told a person to sell this car for rupees 2 lakh, I will give 10% commission to him, then he will work for it. He will work means he will give his labor. That's why we have to pay for his labor, because he is doing his labor this year, not previous year. Value was added in previous year in the second hand good when they were produced, but now this time it is resold, and in the resale of this item some work has been done by a commission agent, so we have to pay for his work. ये जो commission, अगर हमें कुछ मिला है second hand good बेचने से, तो उस commission को हम जोड़ेंगे, क्योंकि second hand good को बेचने में हम दूसरे की मेहनत ले रहे हैं, उससे श्रम करा रहे हैं, इस साल करा रहे हैं। यहाँ पे जो product की value थी वो तो जिस समय जनरेट हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था जिस साल, तब हुआ था, लेकिन अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ। बट लेकिन जो सेल हो रही, सेल किस करते समय हमने किसी को हायर करके रखा, किया कहा कि हम
अगर वो हमारी कार बेच दे तो हम उसको 10% कमीशन देंगे, 5% कमीशन देंगे, तो वो उसके लिए वर्क करेगा, इसी साल वर्क कर रहा है तो इसी साल उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये जो उसकी अर्न इनकम हुई है। सो वी हैव टू एड कमीशन पेड ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। नाउ फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज एडेड। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज। इफ एनी वन प्रोड्यूसेस एनी थिंग फॉर हिमसेल्फ, एनी गुड फॉर हिमसेल्फ, देन इट्स वैल्यू शुड बी एडेड। लाइक ए फार्मर प्रोड्यूसेस व्हीट, राइस, पल्सेस फॉर हिमसेल्फ, हिज फैमिली, देन वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स शुड बी एडेड बिकॉज दीज आर कंसम्पशन गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अगर कोई भी व्यक्ति खुद के लिए किन्हीं भी वस्तुओं का उत्पादन करता है तो हमें उसकी वैल्यू को ऐड करना है, चाहे वो मार्केट में बेचता है या नहीं बेचता है, लेकिन जो मार्केट की वैल्यू होगी उसके बराबर ऐड कर लेंगे। जैसे कोई किसान है अपने लिए गेहूं, चावल, दाल वगैरह का उत्पादन करता है तो हमें उसकी वैल्यू को जोड़ना है, क्योंकि वो ऐसे नहीं करेगा तो मार्केट से खरीद के खाएगा, कहीं ना कहीं खाए तो वैल्यू तो वो होगी। एंड वैल्यू ऑफ गुड्स ऑनली, केवल गुड की वैल्यू की जोड़ेंगे, सर्विस के नहीं। अगर कोई अपने लिए काम करता है घर में, लाइक ही ए पर्सन वॉशेस हिज ओन क्लॉथ्स, वी विल नॉट एड द वैल्यू ऑफ दैट वर्क। अगर कोई अपने घर में काम करता है, कपड़े धुलता है या सफाई करता है, तो उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करना, सर्विस के नहीं करना, वी हैव टू एड वैल्यू ऑफ गुड्स ओनली। नाउ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंसम्पशन इज एडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंसम्पशन बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। इफ एनी प्रोडक्शन यूनिट मीन्स इफ एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, एनी बिजनेसमैन, एनी फर्म यूजेज एनी प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस इन हिज ओन फर्म, द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी एडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी एडेड। अगर कोई उत्पादक अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट में कोई भी वस्तु को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, उसके बाद अपनी ही अपने लिए उसको यूज करता है, अपनी फर्म में यूज करने के लिए, लाइक जैसे टाटा प्रोड्यूसर्स एनी बस और एनी कार टू यूज इन हिज ओन कंपनी, इन हिज ओन ऑफिस, देन वैल्यू ऑफ दैट बस और कार एक्सेट्रा विल बी एडेड। जैसे टाटा अगर कंपनी अपनी खुद के लिए कोई कार यूज करती है, अपनी कंपनी में बनाई हुई कार या बस, ट्रक वगैरह, तो उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन यूनिट है, खुद के लिए प्रोड्यूस कर रही है कोई गुड, तो भी उसकी वैल्यू को ऐड करना है। नाउ इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज एडेड। इफ एनी ओनर, एनी फर्म ओनर रन्स हिज फर्म ऑन हिज ओन हाउस, ओन बिल्डिंग, देन इम्प्यूटेड रेंट मीन्स value that is equal to the market price will be added. Market rent value equal to the market rent will be added in national income. अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही घर में अपना फर्म चला रहा है, अपनी बिल्डिंग पे, तो उस घर की जो बाजार मूल्य जितना होगा, यानी बाजार में जितना किराया मिल सकता था उसको, तो वो उतना जोड़ा जाएगा। Now 7th point, वैल्यू ऑफ सेल्फ कंसम्पशन सर्विसेस इज नॉट एडेड। सर्विसेस हेयर आई टोल्ड वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज एडेड, बट सर्विसेस इज नॉट एडेड। इफ एनी वन प्रोड्यूसेस वर्क फॉर हिमसेल्फ, लाइक ही वॉशेस हिज ओन क्लॉथ, वी विल नॉट एड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। इफ एनी वन क्लीन्स हिज ओन हाउस, वी विल नॉट एड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। इफ एनी वन producers makes his own food, we will not add the value of these things, these services. अगर कोई खुद के लिए काम करता है, खुद का खाना बनाता है, खुद का कपड़े धुलता है, घर की सफाई करती है, तो उसकी वैल्यू को हम नहीं जोड़ेंगे, केवल खुद के लिए अगर कोई गुड प्रोड्यूस किया है तो उसकी वैल्यू ऐड करेंगे, सर्विस की नहीं। नाउ दिस इज ओवर फॉर टूडे, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर टू Facebook, to your friends in Facebook and WhatsApp, etc., so that they can also be benefited from this. Thank you. And also make some practices of the question answer.